हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टैटिकली इनडिटरमिनेट सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है सैंड विनिट्स प्रिंसिपल को पढ़ा जाएगा, इसके बाद डिफ्लेक्शन को पढ़ा जाएगा, और इसके बाद हमारे पास जो है लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिकली इनडिटरमिनेट सिस्टम, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। ओके, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहां पर हम लोग जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी स्टेट करती है कि जब भी हमारे पास फोर्सेस का सिस्टम किसी भी सॉलिड बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है, तो वो उस बॉडी के अंदर हमारे पास जो है स्ट्रेसेस पैदा करता है, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, डिमिनिश होते हैं विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस इंक्रीज करने से वो हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, डिमिनिश हो रहे होते हैं। पहला पॉइंट इसका ये है कि जब भी फोर्सेस का सिस्टम किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा तो उसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, ये स्ट्रेसेस हमारे पास क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ाने के साथ साथ। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है द स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन आर निगलेजिबल स्मॉल एट डिस्टेंस इज ग्रेटर द मैक्सिमम लीनियर डायमेंशन। जिस ये कह रहा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उसका जो आप डिस्टेंस जो है बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हमारे पास क्या होता जाएगा, हमारे पास जो है डिफॉर्मेशन और स्ट्रेसेस क्या होते जाएंगे, निगलेजिबल होते जाएंगे। ओके, द फिनोमेना ऑफ स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन इज रिफर्ड टू एज सेंट विनिट्स प्रिंसिपल। और ये जो फिनोमेना है, ये जो अमल है स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन का, कि डिस्टेंस बढ़ाने से ये कम होता जाता है, ये हमारे पास सिंपल कहलाता है सेंट विनिट्स प्रिंसिपल। ओके, अब कंसिडर किया गया एक रेक्टेंगुलर बार जो कि डिफॉर्म हो रहा है इलास्टिकली ड्यू टू लोड अप्लाइड अलोंग इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। बार इज फिक्स फ्रॉम वन साइड एंड लोड इज अप्लाइड थ्रू आ होल एज शोन। ड्यू टू लोडिंग बॉडी डिफॉर्म, लोडिंग की वजह से बॉडी डिफॉर्म हो रही है, हैविंग लोकलाइज डिफॉर्मेशन दैट अकर्स एट द एंड एंड टेंड्स टू इवन आउट एंड बिकम यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिड सेक्शन। क्या कह रहा है कि बॉडी डिफॉर्म हो रही है, हैविंग अ लोकलाइज डिफॉर्मेशन अकर एट द एंड, एंड के ऊपर लोकलाइज डिफॉर्मेशन हो रही है, एंड टेंड्स टू इवन आउट बिकम यूनिफॉर्म, और ये वो यूनिफॉर्म हो रही है मिड सेक्शन के ऊपर, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, यूनिफॉर्म हो जाएगी। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखें सेक्शन नियर टू द पॉइंट, अब यहाँ पर डायग्राम के अंदर गौर करें, डायग्राम में यहाँ पर जो है हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जो है फोर्स लगाई जा रही है, इस पी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। हम लोगों ने तीन सेक्शन लिए, पहला सेक्शन ए ए, दूसरा बी बी, तीसरा सी सी। पहले जो हमारे पास स्ट्रेसेस है वो इस तरीके से हो रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म है। फिर जब हम थोड़ा सा आगे गए, हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्टेंस अपना बढ़ाया, थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोगों के बढ़ने के नतीजे में क्या हुआ, स्ट्रेस आप लोग देख रहे हैं थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म हो रहा है। फिर जब हम लोग मिड सेक्शन की बात करें, जब हम लोग सेक्शन सी की बात करें, तो हमारे पास ये देख रहे हैं आप एवरेज स्ट्रेस क्या हो गया, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग जो है अपना डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रेस क्या होता है, थोड़ा सा यूनिफॉर्म होता है, फिर कम्प्लीटली यूनिफॉर्म हो जाता है मिड सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पर जो है इस सेक्शन के ऊपर हमारे पास स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इस सेक्शन के ऊपर हमारे पास स्ट्रेस जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन इस हमारे पास क्या होती जाती है, ग्रेटर देन द मैक्सिमम लीनियर डायमेंशन, तो वो निगलेजिबली स्मॉल हो जाती है, और ऐसा ऐसा वो क्या होना शुरू हो जाती है, डिमिनिश होना शुरू हो जाती है इंक्रीजिंग डिस्टेंसेस के ऊपर। ओके, सो यहां पर यही बताया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सियली लोडेड मेंबर, यहाँ पर इस डेरिवेशन के अंदर हम लोगों को पूरी डेरिवेशन से कोई गर्ज नहीं है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से गर्ज है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला डील करना है जो कि हमारे पास है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। यहाँ पर जो आपको ये डेल दिखाया जा रहा है, ये दर हकीकत हमारे पास डिनोट कर रहा है डिफ्लेक्शन को, किसको, डिफ्लेक्शन को। डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होती है, चेंज इन लेंथ। ओके, उसको डिफाइन कर रहा है, और इसको किस तरीके से याद करना है, देखें ये पी मेरे पास क्या है, इंटरनल फोर्स है। ओके, पी इज द इंटरनल फोर्स, एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ई मेरे पास क्या है, ई इज द यंग मॉड्यूलस हमारे पास है। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू पिलाई, या पी की जगह पर, इंटरनल फोर्स की जगह पर आप एफ भी लिख सकते हैं, एफ एल ओवर ए ई, ये भी हमारे पास जो है डिफ्लेक्शन का ही फॉर्मूला है, तो आप डिफ्लेक्शन को ऐसे भी याद रख सकते हैं, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू फिलाई, ओके।
अब आइए हम लोग इस चैप्टर नंबर 4 का सबसे पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों को कहा जा रहा है कि हमारे पास एक A36 की स्टील बार है मेड फ्रॉम टू सेगमेंट्स, जो कि दो सेगमेंट से बनी हुई है, हैविंग अ क्रॉस सेक्शन AAB का क्रॉस सेक्शन हमारे पास 1 इंच स्क्वायर है और ABD का क्रॉस सेक्शन हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 इंच स्क्वायर है। डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड ए का हम लोगों को क्या मालूम करना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है एंड ए का, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिलेटिव टू सी। हम लोगों को दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहली वाली चीज को मैं नाम देता हूं डिफ्लेक्शन एट ए और दूसरी वाली चीज को मैं नाम देता हूं डिफ्लेक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। तो ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ ए होगी ना, ये यहाँ पर ये जो हमारे पर डिफ्लेक्शन ऑफ ए आएगी, ये किस किस का मजमुआ होगी, ये हमारे पास जो है इन तीन डिफ्लेक्शंस का जो है मजमुआ होगी। पहली वाली डिफ्लेक्शन देखें सी से लेकर डी तक की, फिर दूसरी वाली बी से लेकर सी तक की, और तीसरी वाली जो है ए से बी तक की, क्योंकि इस डिफ्लेक्शन हमारे पास सम होती है इसका फिलाए का ओके। तो इन तमाम की डिफ्लेक्शन का क्या होगी, सम होगी। और उसके अंदर जो पार्ट बी सी की हम लोग डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे, वो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन ऑफ बी सी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सेक्शनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया, हमारे पास सेक्शनिंग की गई है। हम लोग हर एक सेक्शन की हम लोग सेक्शनिंग वहां वहां से करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर बताया गया था जहां पर हमारे पास पहली बात फोर्सेस चेंज होती है, दूसरी बात हमारे पास जो है क्रॉस सेक्शन चेंज होता है। तो देखें यहां पर आप लोग हमेशा जो सेक्शनिंग करना स्टार्ट करेंगे वो सपोर्ट से करना स्टार्ट करेंगे, ये आपके पास सपोर्ट है। अच्छा, इसके ऊपर से आप करना स्टार्ट करेंगे, आपके पास जो पहली फोर्स लग रही है वो यहां पर लग रही है 8 किलो पाउंड्स की। तो गाइस अब हम लोग जो है सेक्शनिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये 8 किलो पाउंड की फोर्सेस है, हम लोग इससे पहले यहाँ पर सेक्शनिंग करेंगे, फिर दूसरी सेक्शनिंग हमारे पास 4 किलो पाउंड की है तो दूसरी सेक्शनिंग यहाँ पर करेंगे, और तीसरी हमारे पास 15 किलो पाउंड की है तो हम लोग सेक्शनिंग यहाँ पर करेंगे। देखें सेक्शनिंग पार्ट आपको दिखाए हुए, यहाँ पर अगर मेरे पास जो है 15 किलो पाउंड की फोर्स थी तो इंटरनल फोर्स कितनी यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगी 15 किलो पाउंड की, यहाँ पर ऊपर 15 किलो पाउंड की एक फोर्स थी, 4 किलो पाउंड की नीचे फोर्स थी, तो 15 ऊपर 8 नीचे, तो मेरे पास रिजल्टेंट कितना आएगा 7 किलो पाउंड नीचे की तरफ फोर्स आएगी। ओके, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ रही थी लेकिन इंटरनल फोर्स नीचे की तरफ क्रिएट होगी। अब यहाँ पर देखें 15 किलो पाउंड ऊपर की तरफ है, 8 नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर मेरे पास ऊपर की तरफ फोर्स आ रही होगी 7 किलो पाउंड की, नीचे मेरे पास फोर्स आ रही है -16 की, तो मेरे पास यहाँ पर नीचे रिजल्टेंट आ रहा होगा 9 का, तो अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल फोर्सेस हम लोग लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जब लेंगे तो मेरे पास 9 किलो पाउंड की आ जाएगा ऊपर। अब देखें अब इसकी डिफ्लेक्शन ना ए बी की जब आप डिफ्लेक्शन लेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाली फोर्स आप लिखेंगे 15, जो लेंथ आपने कट की है, नीचे आपको दिखा देता हूं मैं पीडीएफ के अंदर जो लेंथ कट की है ना इस फॉर्मूले के अंदर, वो वाली लेंथ ली जाएगी। हमेशा याद रखिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही लिया जाएगा, लेंथ और एरिया वो लिया जाएगा जो कि आपने कट आउट किया है, ये कट किया है तो आप ये वाला लेंथ और एरिया लेंगे। ई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, स्टील की कॉन्स्टेंट होती है 200 गीगा पास्कल, वो आप लेंगे क्योंकि इंचेज है तो गीगा पास्कल नहीं, यहाँ पर कुछ और वैल्यू ली गई होगी, देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखें पी हमारे पास पहले आ रहा था 15 और इन्होंने क्या किया है, लेंथ यहाँ पर ली हुई है, लेंथ क्योंकि इन्होंने 2 फिट को काटा तो 2 फिट इन्होंने लेंथ ली हुई है और 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो लेंथ आ गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्होंने ले लिया 1 इंच स्क्वायर और ई से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर इसके बाद देखें इन्होंने जो है 7 किलो पाउंड फोर्स दी, और ये याद रखिएगा ये वाली जो फोर्स थी ये किस तरीके की थी, ये टेंसाइल फोर्स थी, तो इस वजह से इसकी डिफ्लेक्शन इन्होंने क्या ली है, पॉजिटिव ली है। इसी तरीके से भी टेंसाइल है तो पॉजिटिवली फोर्स इंटरनल फोर्स लिखी, लेंथ इन्होंने लिखी यहाँ पर 1.5 वाले को काटा तो 1.5 लिखी, 12 से मल्टीप्लाई करवाया ताकि इंच में कन्वर्ट हो जाए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्होंने क्या ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर दिया हुआ था, और ई से मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखें डिफ्लेक्शन इन्होंने क्या ली, सब्ट्रैक्शन में ली, क्योंकि ये वाली जो हमारे पास फोर्स थी, ये वाली फोर्स हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स थी, इस वजह से माइनस में ली। इन्होंने लेंथ ली 1 फिट, 12 से मल्टीप्लाई करवाया इंच में कन्वर्ट करने के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वाले का हमारे पास क्या था, 2 इंच स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करा दिया ई से, तो टोटल डिफ्लेक्शन हमारे पास आ गई 0.0127। अब हमारे पास दूसरा पार्ट था कि डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करो बी सी की,
तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में से जो है इतना पार्ट कंसिडर कर लेंगे जो कि बी से लेकर सी तक की डिफ्लेक्शन है। देखें सेम एज इट इज़ यहाँ पर यही वैल्यू लिखी हुई है, हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास जो है डिफ्लेक्शन आ गई बी से सी तक की। ओके तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल जो कि इस तरीके से सॉल्व होगा, सजेस्टेड क्वेश्चन में भी आया हुआ है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपको याद रखना है कि आपने सेक्शनिंग जो है सपोर्ट से ऊपर से स्टार्ट करनी है, वहाँ वहाँ से सेक्शनिंग करेंगे जहाँ से फोर्सेस और एरिया वेरिएट कर रहा होगा। ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू जो कि हमारे पास रिलेटेड है इसी डिफ्लेक्शन से। कह रहा है कि रिजिड बीम है ए बी रेस्ट ऑन दी टू शॉर्ट पोस्ट एज शोन इन द फिगर। ए सी इज मेड अप ऑफ द स्टील, ये जो ए सी है ये स्टील का बना हुआ है और ये और इसका डायमीटर हमारे पास कितना दिया हुआ है 20 मिलीमीटर दिया हुआ है। और जो बी डी हमारे पास है, बी डी हमारे पास बना हुआ है एल्यूमिनियम का, ये जो बी डी है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 40 मिलीमीटर। डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफ, ये जो आपके पास एफ है इसका डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है ए बी के ऊपर कितना होगा जब वर्टिकल लोड हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 90 किलो न्यूटन की ओवर दिस पॉइंट। स्टील का हम लोगों को दे दिया, इस वाले स्टील का दे दिया ई की वैल्यू और एल्यूमिनियम की दे दी 70 की पास्कल। ओके सो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये इंटरनल फोर्सेज, ये वाली जो फोर्सेज है ना, ये देखें आपने ये बीम कंसिडर की है, ठीक है, इसकी एफ बी डी, एफ बी डी कैसे बनाओगे, आप सिंपल एक बीम बना दोगे, यहाँ पर आप फोर्स बता दोगे कितनी एक्ट हो रही है, यहाँ पर आपके पास फोर्स एक्ट हो रही है 90 किलो न्यूटन की। ओके अब देखें ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है 400 और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है आपके पास 200 है ना, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 600 हुआ। ओके टोटल डिस्टेंस 600 हुआ, ये वाला डिस्टेंस कितना है 200, तो आप इसका अगर रेशियो देखें कि इसने कितना रेशियो लिया हुआ है तो आपके पास आएगा 1/3, क्या आएगा 1/3, तो यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो आपके पास है 1/3। ओके सो दूसरा जो मेरे पास फासला हुआ वो मेरे पास कितना होगा 400 डिवाइडेड बाय 600 कर दो, या तो 1-1/2 भी कर, 1-1/3 भी कर दो, सेम आएगा, तो ये मेरे पास आ रहा है 2/3। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है 2/3, और फोर्सेस क्योंकि ये वाली फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नीचे है तो सपोर्ट की जो फोर्स होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर भी जो फोर्स होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये मुझे मालूम नहीं है, एफ ए सी और एफ बी डी मालूम नहीं है। किस तरीके से मालूम होगी, देखें जब एफ ए सी की बात करूंगा ना मैं, किसकी, जब एफ ए सी की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस 90 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा इससे, तो मेरे पास इसकी फोर्स आ जाएगी। देखें 90 को मल्टीप्लाई कराएं 2/3 से, तो देखें 3 1 3 3 3 9, ऊपर की मेरे पास क्या आएगा 3 3 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 60, तो ये मेरे पास फोर्स आ जाएगी 60 किलो न्यूटन की। ओके आप चाहें तो मोमेंट की इक्वेशन भी लगा सकते हैं, ये जो है मैं शॉर्टकट तरीके से करवा रहा हूँ। अब ये वाली जो फोर्स आप निकालेंगे, इस फोर्स का आपके पास नाम होगा एफ बी डी, तो ये वाली फोर्स आपके पास आ जाएगी, 90 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/3 से, तो मेरे पास 9 3 3 3 9 आ जाएगा, तो मेरे पास ये फोर्स कितनी आ जाएगी 30 किलो न्यूटन। और ऐसे भी देख सकते हो कि अगर एक फोर्स जो है 60 आई है तो 90-60 करूंगा तो मेरे पास दूसरी क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। ओके अब आपने जो है फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए, अब फोर्सेस कैलकुलेट करने के बाद आप डिफ्लेक्शन जब निकालोगे तो देखो जब इस वाले की एफबीडी बनाओगे ना, आपने एबी की बनाई थी एबीडी तो उसके अंदर फोर्सेस अपवर्ड दिखाई थी, जब एसी की बनाओगे तो आप यहाँ पर फोर्सेस की डायरेक्शन क्या कर दोगे, उल्टी कर दोगे, क्योंकि स्टैटिक्स में पढ़ाया जाता है ये कि जब अलग अलग मेंबर कंसिडर करते हैं ना तो उसके अंदर हम लोग जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी यही किया है, इसकी डायरेक्शन वहाँ पर ऊपर ली थी, यहाँ पर डाउनवर्ड कर दी, यहाँ भी डाउनवर्ड कर दी, अब रिजल्टेंट हमारे पास कैसे लग रही है, अपवर्ड लग रही है, यहां पर भी रिजल्टेंट कैसे लग रही है, अपवर्ड लग रही है। अब देखें इन्होंने डिफ्लेक्शन कैलकुलेट की, ए की डिफ्लेक्शन कैलकुलेट की और यहां पर क्या लगाया हुआ है, माइनस लगाया हुआ है, माइनस शो कर रहा है कंप्रेसिव फोर्स को, इन्होंने क्या किया फिर फोर्स लिखी और किलो को हटा के एक्सपोनेंट 3 लगाया, लेंथ इन्होंने लिखी, एरिया, एरिया यहां पर क्या फार्मूला लगाया हुआ है, पाई डी स्क्वायर बाय 4, इन्होंने जो है रेडियस कंसीडर कर लिया है, तो डी स्क्वायर बाय 4 को इन्होंने क्या कर लिया है, यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर। ओके ए सी का जो डाया था ना हमारे पास, ए सी का डाया 20 था तो 10 इसका रेडियस हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया है उसी का स्क्वायर लिया हुआ है और यहाँ पर ई की वैल्यू लिख दी, तो डिफ्लेक्शन आ गई इनके पास ये
जिसको इन्होंने जो है क्या कर दिया, प्लस कर दिया और बता दिया नेगेटिव साइन जो है इसकी कॉम्प्रेशन को शो कर रहा है, इसके नीचे जाने को शो कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखें, इन्होंने फोर्स लिखी, माइनस की साइन कॉम्प्रेशन की वजह से लिखी, लेंथ लिखा, एरिया लिखा, पाई आर स्क्वायर और ई से मल्टीप्लाई कराए तो ये वाली डिफ्लेक्शन आ गई। अब जब इन्होंने गौर किया तो हमारे पास डिफ्लेक्शन किसकी ज़्यादा आ रही है, ए सी की आ रही है या फिर हमारे पास बी डी की आ रही है। सबसे डिफ्लेक्शन हमारे पास ज़्यादा आ रही है ए सी की, मतलब कि पॉइंट ए यहाँ पर था तो पॉइंट ए यहाँ से मूव करके यहाँ पर चला गया। देखिए पॉइंट ए मूव करके यहाँ से जो था वो यहाँ पर चला गया, ठीक है। कितना गया हमारे पास पॉइंट ए, इस पूरे का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 0.286 आए, ओके। और पॉइंट बी यहाँ पर था, यहाँ पर चला गया। तो ये हमारे पास एक डायग्राम हम लोग शो कर रहे हैं, हम लोगों को ये मालूम करना है कि एफ़ कितना नीचे गया है। तो एक तो एफ़ का जो डिस्टेंस है वो जो डायरेक्ट एड करेंगे वो हमारे पास होगा ये वाला 0.102। अब मुझे मालूम करना है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला इतना डिस्टेंस मालूम करना है। तो मैं यूज़ करूँगा सिमिलर ट्रायंगल। यूज़ करने का तरीका मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये वाली दोनों डिफ्लेक्शन, इन दोनों को मैं बराबर लिखूँगा। ये वाली मेरे पास किसके बराबर होगी, ये वाली मेरे पास होगी 0.286 माइनस 0.102 इज इक्वल टू, मेरे पास इसकी डिफ्लेक्शन को x का नाम दे देता हूँ, डिवाइडेड बाय इस पूरे का बेस मेरे पास क्या हो जाएगा, इस पूरे का बेस मेरे पास होगा 600 और इस पूरे का यहाँ इस वाले का जो बेस मेरे पास होगा वो क्या होगा 400। ओके तो जब इस x को अकेला करूंगा तो देखें 400 ऊपर चला गया, 600 नीचे डिवाइड हो रहा है। और जब इसको सॉल्व करेंगे 0.286 माइनस 0.102 को तो यही वाली वैल्यू आएगी जो कि इसके अंदर ऐड हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, आप इसकी डिफ्लेक्शन को बआसानी कैलकुलेट कर लोगे। ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इस चैप्टर का जो है तीसरा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम से रिलेट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास कहा जा रहा है कि हमारे पास एक स्टील रॉड है जिसका डायमीटर हमारे पास है 10 मिलीमीटर और वो हमारे पास फिक्स है ए के ऊपर से। उसको लोड किया गया, लोड करने से पहले यहाँ पर जो है गैप मौजूद था बी डैश के सपोर्ट से जो कि हमारे पास कितना था गैप 0.2 मिलीमीटर का। डिटरमाइन द रिएक्शंस एट ए एंड बी डैश, ए और बी डैश के ऊपर रिएक्शंस मालूम करो, निगलेक्ट द साइज ऑफ द कॉलर और ई की वैल्यू आपको दी गई है। अच्छा तो इस सवाल के अंदर गौर करें, आपके पास हॉरिजेंटली एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि क्या है पी 20 किलो न्यूटन का, और जब ये लोडेड हो जाएगा यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये वाला सपोर्ट यहाँ पर फोर्स तक आ रहा होगा, और क्योंकि ये जो है राइट हैंड साइड पर जा रहा है तो ये वाला सपोर्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड पर फोर्स लगा रहा होगा एफ ए, ऐसा ही है, ठीक है। पहली बात तो ये, तो हमारे पास गौर करें, आपको जो मालूम करना है वो दो अननोन्स है, एक फोर्स मालूम करनी है रिएक्टेंट फोर्स बी डैश के ऊपर और एक आपको मालूम करनी है ए के ऊपर। और आपके पास इक्वेशन कितनी बन सकती है, एक इक्वेशन जिसके अंदर दो अननोन आ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास अननोन ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो वो हमारे पास कहलाता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर अननोन ज्यादा हो इक्वेशन कम हो वो हमारे पास कहलाता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग याद रखिएगा, सबसे पहले जो भी हमारे पास डायग्राम दी गई है उसकी हमारे पास जो है तीन डायग्राम्स बनती हैं। कितनी डायग्राम्स, तीन डायग्राम्स हम लोग बनाते हैं। सो सबसे पहले देखें ये वाली डायग्राम आप बनाएंगे, इसके अंदर आप इस सपोर्ट को क्या कर देंगे, इनडिटर्मिनेट कर देंगे, मतलब कि आप रिमूव कर देंगे, आपने हटा दिया सपोर्ट को। अब आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्स होगी ना, उस एक्सटर्नल फोर्स की आप डिफ्लेक्शन शो करेंगे जो कि यहाँ पर शो हो रही है डेल पी के नाम से, आपने शो कर दी, ओके। अब तीसरी वाली डायग्राम के अंदर आप क्या करेंगे, जिस सपोर्ट को आपने हटाया था ना उस सपोर्ट को दोबारा लगा के आप उसकी डिफ्लेक्शन शो करेंगे जो कि हमारे पास कहाँ पर हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे हो रही है। देखें डिफ्लेक्शन एट बी का नाम दिया हुआ है। तो पहली के अंदर उस सपोर्ट को हटाएंगे, एक सपोर्ट को इनडिटर्मिनेट करेंगे, दूसरी के अंदर उस एक्सटर्नल लोड की डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, तीसरी के अंदर जिस सपोर्ट को हटाया है उसकी डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, ओके। अब देखें सबसे पहले हम लोग जो है कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन किस तरीके से बनाई गई है, ये हम लोगों ने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लिया है और इस सपोर्ट को क्या किया, रिडंडेंट किया है, सही। राइट हैंड साइड में हमारे पास डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रही है तो हम लोगों ने डेल्टा पी को किस में ले लिया, प्लस में ले लिया, ठीक है, पहली बात। और जब ये सपोर्ट लग रहा है तो ये डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर,
सही है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो इसकी हम लोगों ने डिफ्लेक्शन क्या ले ली, माइनस ले ली। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ सकता है मैक्सिमम, इस गेप के बराबर आ सकता है जो कि हम लोगों ने ले लिया है 0.0002 मीटर। ओके, अब यहाँ पर देखें डिफ्लेक्शन एट पी, पी की डिफ्लेक्शन में क्या कर दूंगा, मैंने ये वाली फोर्स लिख दी जो कि मेरे पास पी थी। अब ये वाली फोर्स का जो लेंथ लेनी है ना, वो लेंथ याद रखिएगा, आप वो लेंथ लेंगे उस एक्सटर्नल फोर्स से लेकर फिक्स सपोर्ट तक की, एक्सटर्नल लोड से फिक्स सपोर्ट तक की आप लेंथ कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने वो लेंथ ले ली, इस एक्सटर्नल फोर्स से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ थी वो कितनी थी 40 मिलीमीटर, तो ये आपने ले ली। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ले लिया, ई की वैल्यू आपने ये ले ली। देखें ए ई की वैल्यू यहाँ पर नीचे सेम है, एफ बी यहाँ पर आ गया डिफ्लेक्शन एट बी कैलकुलेट करने में, लेंथ यहाँ पर जब आप लेंगे तो क्या लेंगे, ये वाली एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगी तो इस पूरी लेंथ के ऊपर लगेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि मेरे पास कितनी है 800 + 400, जो कि मेरे पास हो जाती है 1.2, 1200 हो जाती है, मतलब कि 1.2 मीटर। तो मैंने यहाँ से दोनों की डिफ्लेक्शन ली, ये एफ बी की फॉर्म में आ रही है, क्योंकि ये अब मैं इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट करूँगा इसको, अब मैं इस इक्वेशन के अंदर इसको सब्सिट्यूट करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास एफ बी आ जाएगा, एफ बी कैलकुलेट हो गया एक रिएशन का। अब समेशन ऑफ एफ एक्स किया अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये मेरे पास प्लस के अंदर होगा, और यहाँ पर मेरे पास माइनस एफ है क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है, ये भी लेफ्ट में जा रहा है, तो माइनस के अंदर मैं ले लूँगा -4.05। ओके, यहाँ पर जो है 4.05 आना चाहिए, इन्होंने मिस्टेक की हुई है, 4.05 आएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनके पास क्या आ जाएगा, 16 किलो न्यूटन की फोर्स आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आपके पास एक स्टील का कॉलम है, ओके, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हमारे पास 18 इंच स्क्वायर है, इस इन केस इन स्ट्रेंथ कंक्रीट इज शोन, इफ़ एन एक्सियल फोर्स, अगर उसके ऊपर एक्सियल फोर्स लग रही है 60 किलो पाउंड की अप्लाई हो रही है, डिटरमाइन द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द कंक्रीट, कंक्रीट के अंदर का स्ट्रेस मालूम करो और स्टील के अंदर का स्ट्रेस मालूम करो, हाउ फार डज द कॉलम शॉर्टन, और ये कॉलम हमारे पास जो है कितना शॉर्ट हो रहा है, ये तीसरी चीज़ मालूम करके दो। तो इसके अंदर जो है हम लोगों को तीन चीज़ें मालूम करनी है, पहला स्ट्रेस मालूम करना है कंक्रीट का, दूसरा हम लोगों को स्ट्रेस मालूम करना है स्टील का, तीसरा हम लोगों को मालूम करना है इसके अंदर डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है। ओके, तो देखें सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, हमेशा क्या बनाएं, देखें यहाँ पर ऊपर एक फोर्स लग रही है, नीचे से दो फोर्सेज जनरेट होगी, एक हमारे पास कंक्रीट एग्जर्ट करेगी और दूसरा हमारे पास जो है वो स्टील एग्जर्ट करेगी, जो कि अंदर हमारे पास इसके अंदर रीइंफोर्स हुई है, दो फोर्सेस, एक स्टील की और एक कंक्रीट की, सही है। तो आपके पास एक 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 इक्वेशन है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर बन सकती है और उसके अंदर दो अननोन आ रहे हैं, एक स्टील की फोर्स आ रही है, एक कंक्रीट की फोर्स आ रही है, तो एक इक्वेशन द अननोन, मतलब कि आप स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम को डील कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर आपने सबसे पहले जो है कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बनानी है, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बनाने का यहाँ पर तरीका क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी एक बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी इंसर्ट की गई हो, दूसरी बॉडी लगाई गई हो, मौजूद हो, तो वहाँ पर उन दोनों की डिफ्लेक्शंस क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, बच्चा क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील, स्टील की डिफ्लेक्शन हमारे पास, स्टील की डिफ्लेक्शन हमारे पास जो है बराबर हो जाएगी कॉन्क्रीट की डिफ्लेक्शन के। ओके, आप देख सकते हैं स्टील की डिफ्लेक्शन किसके बराबर हो गई है, कंक्रीट की डिफ्लेक्शन के बराबर हो गई है। सो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने आगे क्या किया है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर लेंथ दोनों की सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, ये देख सकते हैं आप लोग 8 × 12 8 × 12, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है पूरे का पूरा हम लोगों को दिया हुआ था कॉलम का 18, तो स्टील का इन्होंने क्या ले लिया, 18 ले लिया। ओके, ये 18 आपको था स्टील के कॉलम का ही दिया हुआ था, आई बीम का, ओके, आई बीम का दिया हुआ था। अब आपने जो है कंक्रीट का निकालना है ना, तो कंक्रीट का क्या करेंगे, ये जो होगा 9 × 16, ये है टोटल एरिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 18 स्टील का एरिया, तो सिंपल किसका आ जाएगा, इस कंक्रीट का एरिया आ जाएगा, टोटल में से 16 × 9 में से इस स्टील कॉलम का माइनस कर दोगे तो आपके पास जो है कंक्रीट का आ जाएगा। ई की वैल्यू इसकी डाली, ई की वैल्यू इसकी डाली, तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बिल्कुल आसान है, देखें
स्टील, क्योंकि ऊपर एक फोर्स लग रही है और नीचे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ऊपर एक फोर्स लग रही है, तो हम लोगों ने दोनों को प्लस में लिया। और अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा साइमल्टेनियसली, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो है इन दोनों की इंटरनल फोर्सेस आ जाएगी, स्टील और कॉन्क्रीट की ये फोर्सेज आ गई। इसके बाद इन फोर्सेस को एरिया से डिवाइड करवाते हुए मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं इंटरनल स्ट्रेसेस निकाल सकता हूँ। ओके, अब ये मैंने स्ट्रेसेस भी निकाल लिए दोनों। अब मेरे पास तीसरा काम था कि कॉलम कितना मेरे पास शॉर्ट हुआ है, कॉलम के अंदर कितनी डिफ्लेक्शन आई है। तो मैं या तो ये एक्सप्रेशन ले लूँ या तो मैं ये एक्सप्रेशन ले लूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैंने क्या किया है, ये वाला एक्सप्रेशन कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन कंसिडर किया हुआ है स्टील का, और जो फोर्स इसके पास आंसर में आई थी 29.795, ये वाली फोर्स जो इसके पास आंसर में आई थी उसने यहाँ पर ली, लेंथ लिखी, एरिया लिखा इसका कितना आया था, और इसको ई से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसके पास क्या आ गई, डिफ्लेक्शन की कैलकुलेशन हो गई। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास 40 फीट की स्टील की रेल है, जो कि हमारे पास लेड विद अ स्मॉल गैप टू अलाउ फॉर द थर्मल एक्सपेंशन ड्यू टू द रिक्वायर्ड डिटरमाइन द रिक्वायर्ड गैप। सबसे पहले ये रिक्वायर्ड गैप मालूम करें, सो द रेल जस्ट टच वन अनदर व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम जस्ट, जब टेम्परेचर इतने से इतना बढ़ाया जाता है तो ये गैप क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, वो गैप मालूम करके दो। यूजिंग दिस गैप, और फिर उस गैप का इस्तेमाल करते हुए व्हाट वुड बी द एक्सियल फोर्स इन द रेल, एक्सियल फोर्स कितनी होगी रेल के अंदर जब टेम्परेचर जो है T3 कर दिया जाएगा, और इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है 5.10। तो सवाल को पहले समझो, सवाल के अंदर कह रहा है कि जब टेम्परेचर T1 से T2 किया गया ना, तो हमारे पास ये वाली डिफ्लेक्शन जो थी ना ये फिल आउट हो गई, हमारी रेल आगे की तरफ बढ़ गई। अब ये रेल आगे की तरफ बढ़ी हुई है और टेम्परेचर अब जो है फिर इसके बाद 110 किया गया, कितना किया गया टेम्परेचर, ये गैप कवर हो गया। ये गैप कवर होने के बाद टेम्परेचर जब 110 किया गया तो इसके अंदर मजीद एक्सपेंशन हुई। अब रेल ने जो है क्या लगाना एग्जर्ट कर दी होगी, फोर्स लगाना एग्जर्ट कर दी होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो टेम्परेचर ने की एक्सपेंशन और रिजल्टेंट ये वाली जो छोटी छोटी रेल है ये हमारे पास जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगी, फोर्सेज लगाएगी एफ। ओके, तो आपने जो है यही जो फोर्स लगा रही है ना रेल अपोजिट डायरेक्शन में, ये मालूम करनी है एक्सियल फोर्सेस। तो सबसे पहले तो देखें गैप मालूम करने का फॉर्मूला, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। सेकंड ईयर के अंदर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 11 के अंदर ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करवाया जाता है, जो कि हमारे पास है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो इनिशियल लेंथ हम लोगों ने ली 40 को 12 से मल्टीप्लाई करा दिया, डेल्टा टी मेरे पास क्या आया, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू आपको एग्जाम में दी हुई होगी। ओके, तो आपने ये गैप मालूम कर लिया। अब इस गैप का इस्तेमाल करते हुए, ये रहा, इस गैप का इस्तेमाल करते हुए आपने लिखा डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, तो इस वजह से मैंने क्या लिया, पॉजिटिव ले लिया। और फोर्स जो है मेरे पास क्या कर रही है, मेरे पास जो है कॉम्प्रेशन क्रिएट कर रही है इसके अंदर, तो मैंने इसको क्या ले लिया, माइनस में ले लिया। ओके, अब देखें डेल्टा टी, अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू सेम, अब डेल्टा टी मेरे पास क्या आएगा, T3 - T1 आएगा। ओके, ये गैप कवर हो गया। अब इस गैप के बाद हम लोगों ने मजीद टेम्परेचर बढ़ाया और इसकी लेंथ मेरे पास आ गई 14 × 12, माइनस किया एफ, लेंथ मेरे पास सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही लिखा, ई की वैल्यू लिखी, मैंने यहां से क्या अकेला कर दिया, एफ अकेला कर दिया, सिंपल क्वेश्चन इज सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग कह रहा है कि हमारे पास तीन बार्स हैं जो कि मुख्तलिफ मटीरियल से एमएल के बनी हुई हैं, बोथ एंड प्लेस बिटवीन टू वॉल्स, जो कि प्लेस की गई दो वॉल्स के दरमियान में, व्हेन द टेम्परेचर T1 हमारे पास इतना था 12 डिग्री सेंटीग्रेड, डिटरमाइन द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द रिजिड सपोर्ट्स व्हेन द टेम्परेचर बिकम 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अब ये टेम्परेचर हमारे पास 12 से हुआ 18 डिग्री सेंटीग्रेड, लिहाजा इस रॉड के अंदर होगी एक्सपेंशन, और इसको हमारे पास क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमारे पास ये सपोर्ट्स लगाएंगे जो कि इसको क्या करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे। ओके, तो हम लोगों को डिटरमाइन क्या करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द रिजिड सपोर्ट्स, वो फोर्स मालूम करनी है जो कि रिजिड सपोर्ट इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। सो देखें, अब यहाँ पर जो है गैप हमारे पास क्या है, जीरो, कोई भी गैप नहीं आ सकता क्योंकि फिक्स सपोर्ट से दोनों तरफ, और क्या होगा, डिफ्लेक्शन हमारे पास टेम्परेचर की वजह से हम लोग क्या कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंशन है और कॉम्प्रेशन ये कौन कर रहा है, मेरे पास फोर्स कर रही है, तो माइनस में ले ली। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है
अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा, सॉरी यहाँ पर इन्होंने जो है लिखा हुआ है अल्फा और एल नॉट, एल नॉट इन्होंने ये लिखा हुआ है, ये इनिशियल लेंथ कंसिडर की हुई है, और ये क्या है, ये इनका डेल्टा टी है। तो देखें इन्होंने 0.3 कंसिडर किया हुआ है, ओके 0.3 इन्होंने ले लिया, और इन्होंने अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या लिया, 12 एक्सपोनेंट माइनस 6, और टेम्परेचर का चेंज 18 माइनस 12 मेरे पास कितना आएगा, 6, 6 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। फिर इसके बाद इन्होंने 0.2 लिखा, फिर इसके बाद इन्होंने 0.1 लिखा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी हुई थी, 21, तो इन्होंने ब्रास की 21 लिखी, प्लस इन्होंने कर ली होगी कॉपर की जो कि यहाँ पर दी हुई है 17। अब सब्ट्रैक्शन इन्होंने किया पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ओके एफ 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 0.3, 0.2, 0.1, ओके नीचे डिवाइडेड बाय एरिया इन्होंने लिया पहला, तो पहले इन्होंने एरिया लिया 200 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है तो एक्सपोनेंट माइनस 6, यहाँ पर इन्होंने एरिया लिया 450 एक्सपोनेंट माइनस 6, यहाँ पर लिया 515 एक्सपोनेंट माइनस 6, और ई की वैल्यू से इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई कराया। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब इन्होंने सॉल्व किया तो इनके पास फोर्स का हमारे पास फाइनलाइज आंसर आया है, फोर्स का इनके पास जो है फाइनलाइज आंसर आया है 4.2 किलो न्यूटन, ओके दिस इज द फाइनल आंसर। सो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 स्टैटिकली इनडिटरमिनेट सिस्टम का इख्तिताम हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्यू